We need your support to keep growing and delivering content like this. Please show your support by subscribing to our channel. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे कितने और ब्रह्मांड हैं, हमारे इस ब्रह्मांड का क्या परिमाण है, यानी हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मा और इनके ब्रह्मांड के इस गोपनीयता का चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी ने लिखी है, जिसे कई संतों ने प्रामाणिक माना है। इसके अनुसार एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से कह दो ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कह दिया। तब श्री कृष्ण ने द्वारपाल से पूछा, कौन सा ब्रह्मा? जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली, तब बड़े ही आश्चर्य से ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा कि भगवान से कह दो सनकादिकों के पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आए हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा को अंदर बुलाया। जब ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, तब सर्वप्रथम बड़े ही कुतूहल के साथ यह पूछा कि भगवान, आपके इस प्रश्न का क्या अभिप्राय था कि कौन सा ब्रह्मा आया है, मेरे सिवा भला और कौन ब्रह्मा है? भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर हंस पड़े तथा योग माया युक्त होकर ध्यान करने लगे। इतने में तत्क्षण वहाँ असंख्य ब्रह्मा आए, कोई 20 मुक्का, कोई 100 मुक्का, कोई 1000 मुक्का, तो कोई 10,000 मुक्का। कुछ ब्रह्मा लाख मुक्के थे तो कुछ असंख्य मुक्के ब्रह्मा भी वहाँ थे। इतना ही नहीं तो साथ में असंख्य शंकर भी आ गए, जिनमें कई शंकर लाखों करोड़ों मुंह के थे और उन्हीं के साथ साथ लाखों करोड़ों नेत्र वाले इंद्र भी वहाँ आ गए। यह सब देखकर ब्रह्मा जी डर गए और वो भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ब्रह्मा, तुम्हारा ब्रह्मांड तो केवल 50 करोड़ योजन यानी 400 करोड़ मील का है, यह तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तभी तो तुम्हारे केवल 4 मुख हैं। जितने बड़े ब्रह्मांड होते हैं, उतने ही बड़े ब्रह्मा के शरीर और मुख होते हैं। कोई ब्रह्मांड 100 करोड़ योजन का है, तो कोई 1,00,000 करोड़ योजन का, तो कोई 1,00,000,000,000 योजन का है। इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों का मैं पालन करता हूँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ये अद्भुत ज्ञान प्रदान करने की घटना चैतन्य चरितामृत में पाई जाती है। इस बात का प्रमाण प्रेमरस सिद्धांत नामक ग्रंथ में भी मिलता है, जो ग्रंथ विश्व के पंचम मूल जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने लिखा है। भागवत में भी ब्रह्मा ने कहा है, सूरज की किरणों में जैसे असंख्य अणु उड़ा करते हैं, ऐसे ही हे श्री कृष्ण, आपके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड लटकते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अनसुने रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें हिस्ट्री मिस्ट्री एंड फैक्ट।